हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए लेके आए मिल्क पाउडर की बर्फी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये टीन लिया और टीन को हमें घी से ग्रीस करके लेना है। साइड्स को भी हमें घी अप्लाई करना है। ये देखिए ग्रीस करके हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, बादाम और पिस्ता, और टीन में ऐड करके लेंगे ताकि हमारी बर्फी दिखने में भी और अच्छी लगेगी। ये देखिए ऐसे स्प्रेड भी कर लेंगे। ये हमारा टीन रेडी है। अब हम चलते हैं बर्फी बनाने के प्रोसेस में। तो ये मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। ये मैंने 1.5 कप मिल्क पाउडर ऐड किए है। अभी हमें गैस फ्लेम ऑन नहीं करना है, गैस फ्लेम हमारा ऑफ ही है। ये 1.5 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब हम ऐड करेंगे मिल्क। ये मैंने 1 कप दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके ही हमें दूध ऐड करना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना रहनी चाहिए। और इसे हमें मिक्स करते रहना है। किधर भी गुठलियाँ दिखी तो हमें इस स्पैचुला की हेल्प से इसे ब्रेक करके लेना है। ये देखिए थोड़ा सा दूध और ऐड करके लेंगे और फिर से हमें इसे मिक्स करके लेना है। इसे हमें स्मूथ बैटर बना के लेना है। ये देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी, ज़्यादा भी पतला नहीं और ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये 1 कप में से 1.5 छोटे चम्मच मिल्क हमारा बच चुका है। अब हम गैस फ्लेम ऑन कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। और ये हमारी बर्फी बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और इंस्टेंट बन भी जाती है और टेस्ट में भी बहुत ही टेस्टी भी लगती है। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। ये मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किए हैं और इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। ध्यान में रखें गैस फ्लेम लो ही रखना है, हाई ना करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच घी। घी ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें कंटिन्यूस मिक्स करते रहना है। जैसे जैसे हमारा बैटर पकता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। बैटर को पकाने में मुझे 10 मिनट लगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर ऐसे थिक होता जा रहा है। अगर आपको इसकी गुठलियाँ भी दिखे आप स्पैचुला की हेल्प से इसे ब्रेक कर लेंगे। और ये देखिए पूरा हमारा बाइंड हो चुका है मिक्सचर। और इसे हम चेक कर लेंगे कि बॉल बन रहा है क्या। ये देखिए अच्छे तरीके से हो चुका है हमारा ये मिक्सचर। और देखिए इसका टेक्सचर पूरा दानेदार आया है, बहुत ही लाजवाब लग रही है रेसिपी। अब हम ये मिक्सचर टीन में ऐड कर लेंगे और इसे हमें बर्फी की तरह शेप देना है। आप स्पैचुला के हेल्प से इसे शेप दे सकते हो। आपको जितनी मोटी पतली चाहिए आप अपने मन के हिसाब से कैसे भी रख सकते हो बर्फी। ये देखिए मैंने बर्फी का शेप दिया है। अब हमें इसे एक फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रखना है सेट होने के लिए। 1 घंटे बाद देखते हैं। ये देखिए हमारे 1 घंटे के बाद ये हमारी बर्फी सेट हो चुकी है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये ड्राई फ्रूट जो हमने लगाए थे वो भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और इसे मैंने कट करके पीसेस सर्व कर लिए है। बहुत ही टेस्टी लग रही है और टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आया है और ये टेस्ट में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए इसका टेक्सचर। और ये हमारी मिल्क पाउडर की बर्फी रेडी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।